हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी और इस रेसिपी को बनाने का मेन कारण क्या है कि घर में जब भी हम खाना निकालते हैं या खाना देते हैं किसी को सर्व करते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि क्या खाली सब्जी रोटी बनाई है क्या खाली सब्जी रोटी बनाई है तो इस क्वेश्चन से बहुत ही तंग आ चुके होते हैं कि इसके साथ खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया तो हम रोज़ अचार भी नहीं खा सकते हैं तो उसका ऑप्शन ये बहुत ही अच्छा है कि भाई अचार हमको नहीं खाना है और सब्जी के साथ हमको खाने के लिए कुछ चटपटा तो होना ही चाहिए क्योंकि आदमी खाने के लिए ही तो सारे जीवन के जितने भी प्रयत्न हैं ये सारे खाने के लिए ही चल रहे हैं तो आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मिर्ची की ये रेसिपी तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से मोटी मोटी मिर्ची ले ली है और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और साथ में मैंने दो चम्मच मेथी दाना को भीगने के लिए रख दिया है तो उसको मैंने साइड में भिगो दिया था वो दो तीन से चार घंटे तक आपको मेथी दानों को अच्छी तरीके से भिगो दिया है और उसको साइड में रख देना है भीगने के लिए और मिर्ची अच्छी तरीके से धो लेने के बाद और इसको कपड़े से पोछ लेने के बाद उसके बाद मैंने इसको कर लिया है कट और देखिए आपको इस साइज़ का ही इसको मिर्ची को कट करनी है आपको इसको ज़्यादा बारीक बारीक बिल्कुल भी नहीं कट करना है क्योंकि इसमें अगर आप इसको ज़्यादा बारीक बारीक कट करेंगे तो ये उतना अच्छा खाने में लगेगा नहीं तो इसको आपको इसी तरीके से इतना ही मोटा कट करना है और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसको एक जार के अंदर और आपको ये ध्यान रखना है कि जार में जब आप इसको डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे तो आपको मिक्सी को एक सेकेंड के लिए चालू एक सेकेंड के लिए बंद एक सेकेंड के लिए चालू एक सेकेंड के लिए बंद करना है हमको इसको दरदरा कूटना है मतलब दरदरा पीसना है ज़्यादा हमको इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हल्का हल्का दरदरा और साथ में इधर मैंने कर लिया था सरसों का तेल गरम उसमें डाल दिया था मैंने राई और साथ में डाल दी है मैंने सौंफ और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर कलौंजी आप इसको सरसों के तेल में ही कोशिश करें इस रेसिपी को बनाने की तो बहुत ही अच्छी बनेगी और साथ में डाल दिया था मैंने इसमें ही और ये सारे मसाले जब बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो मैंने ये मिर्ची देखी आपको इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ग्राइंड करी है इसी तरीके से आपको ये दरदरा कुटा कूटा हुआ मिर्ची का आपको इसके अंदर डाल देना है तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि सावधानी पूर्वक आप इसको डालें क्योंकि तेल गर्म रहता है तो जब हम मिर्ची डालते हैं तो बहुत बार तेल का छींटा हमारे ऊपर आ जाता है तो आप सावधानी पूर्वक ही इसको डालें तो बहुत ही अच्छा होगा और देखिए इस तरीके से मैंने सारा मिर्ची का जो पेस्ट था वो इसको इसके अंदर डाल दिया है और हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चला लेंगे हम इसको आपको फ्लेम का ध्यान रखना है कि आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना है इसको इसके लिए फ़्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है क्योंकि हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे तो पानी जब ऐड नहीं करेंगे तो हमको इसका बहुत ध्यान रखना होगा और देखिए दो से तीन मिनट मिर्ची भून लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और साथ में डाला है नमक आपको ये देखना है कि हमको सारे मसाले इसमें एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करने हैं हमको इसको क्रम वाइज ऐड करने हैं तो अभी मैंने इसमें डाला है हल्दी और नमक और जब ये नमक बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे तो हल्दी और नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको दो मिनट के लिए वापस ढक्कन लगा दिया है और अब देखिए ये इस तरीके से इसमें तेल भी रिलीज होने लग गया है और नमक का जो पानी छूटा था वो भी सारा खत्म हो गया उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर और साथ में मैंने इसमें डाला है कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाली है आपको इसके के अंदर तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये मिर्ची थोड़ी तीखी भी होती है ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन तीखी होती है अगर आप इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे तो कोई खा नहीं पाएगा तो इसके अंदर आपको बिल्कुल तीखी वाली मिर्ची ऐड नहीं करनी है और इसके साथ मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर और मैंने जो भीगी हुई मेथी रखी थी वो मेथी हमको उतारते समय इसके अंदर ऐड करनी है और डालते समय एक मिनट के लिए सिर्फ हमको मेथी डाल करके इसको बन सेकना है उसके बाद हमको बिल्कुल फ्लेम बंद कर देनी है और ये देखिए ये बनकर के हो गई है बिल्कुल खाने के लिए रेडी गर्मा गर्म और इसमें मेथी है तो ये आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखेगी और इसका टेस्ट भी बहुत उभर करके आएगा तो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर